नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। साल 2018 का आगाज एक ऐसी घटना से हुआ जिसने भारत के सीने पर वार किया। पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख देने वाली एक घटना जनवरी 2018 में घटी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का रासना गांव एक 8 साल की बच्ची को अगवा कर उसका बलात्कार कर हत्या कर दी गई। देश की राजधानी सहित पूरे देश के कई हिस्सों में खूब प्रदर्शन हुआ। पूरे देश ने एक स्वर में इस नन्ही परी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। पीड़ित परिवार का साथ देने के लिए कई स्वयं सहायता समूह और कई लोग सामने आए। परिवार की सहायता के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे इकट्ठे किए गए। 23 दिसंबर 2018 तक जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ज्वाइंट अकाउंट में 21 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन अब खबर है कि कठुआ गैंगरेप वाली बच्ची के पिता के साथ भयंकर धोखा हुआ है। खबर के मुताबिक जनवरी से लेकर मार्च 2019 तक इस खाते से 12 लाख रुपए परिवार की जानकारी के बिना निकाले गए हैं। किसी असलम खान नाम के आदमी ने इस खाते से 3 बार 2-2 लाख रुपए निकाले। इसके बाद नसीम नाम के एक आदमी ने 21 और 22 जनवरी को खाते से 4 लाख रुपए निकाले। पीड़ित परिवार अनपढ़ है, पैसे निकालने के लिए अंगूठे के निशान लगाता है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ ये धोखा किसने और कैसे किया। इस पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक का कहना है कि उन्होंने बैंक का प्रोसीजर फॉलो किया है। पैसे चेक के जरिए निकाले गए हैं, जिस पर तारीख से लेकर थंब इम्प्रेशन तक सब सही था। ऐसे में बैंक मना नहीं कर सकता। ऐसे में अब परिवार अगली सूचना तक चेक बुक को ब्लॉक कर सकता है। ये काम पीड़ित परिवार के किसी नजदीकी परिचित का हो सकता है जिसे सारी जानकारी है। हैरानी की बात यह है कि चेक के मुताबिक 21 जनवरी 2019 को सेल्फ यानी खुद ने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले, लेकिन लड़की के पिता के मुताबिक वे उस दिन सांबा में थे। इसके अलावा पीड़ित परिवार को अपनी जान का भी खतरा बताया जा रहा है। फिलहाल मामले के विचाराधीन होने के चलते राज्य सरकार ने परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है। लड़की के पिता का कहना है, घटना के कुछ दिनों बाद तक तमाम राष्ट्रीय नेता मीडिया कठुआ में जमा हो गए थे, लेकिन अब कोई उनका हाल जानने तक नहीं आता है। पिता ने कहा, मैं वोट भी उसी को दूंगा जो मेरी बच्ची को न्याय दिलाने का वादा करे। 12 जनवरी 2018 को कठुआ में रासना गांव की रहने वाली 8 साल की बच्ची के पिता ने पुलिस में बच्ची के गायब होने की FIR दर्ज कराई। उनकी बेटी 10 जनवरी से गायब थी। 17 जनवरी के दिन इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। छत बिछत हालत में लड़की की लाश मिली। बकरवाल समुदाय का आरोप था कि सरकार और लोकल पुलिस इस मामले को अच्छे से नहीं देख रही है। इसके बाद 20 जनवरी को सरकार ने SHO को सस्पेंड कर दिया। 23 मार्च को पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। 9 अप्रैल को ही इस मामले की 15 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस चार्जशीट के मुताबिक गैंगरेप और हत्या का मास्टरमाइंड रिटायर्ड राजस्व ऑफिसर सांझी राम है। आरोपियों का नाम सामने आते ही मामला हिंदू मुस्लिम हो गया। राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।